राम राम जी। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सब ठीक ठाक हो गए, परमात्मा तो यही दुआ कर रहे हैं। और तो जी मैं ना धो ली थी, दोपहर का टाइम है, मना सिर भी धोया था। और ईब के काम दाम करेंगे, आप सब ने दिखाओगे। तो आज हम कपड़े धोने लग रहे हैं। और कपड़े कौन से धोए हैं? जो ईब गर्म गर्म कपड़े हैं ना, जो गर्म लगते हुए डाडा तो जा लिया। ये दस्ताने हैं, कोट काट है, गर्म चादर है, श्याल है, इवन का टाइम जा लिया। तो इन्हें दोंगी मैं आज। पानी आया नहीं है, थोड़ा पानी होया है क्योंकि वह थोड़ा ठंडा पानी है, थोड़ा नवाया करने लग रही हूँ चूल्हे पर। अत्ते कर रखा हमने वो हारे, और फिर इसमें डालूंगी थोड़ा सा नवाया सा। तो ये कोट काट ईजी में दोंगी मैं सारे कपड़े ना। कितने सारे कपड़े हो रहे हैं ये मोटे, क्यों इवन का कोई काम नहीं रहा। सर्दी भी इतनी ज्यादा जाडा आवा को न्या, इबा जाडा जा लिया, जाडे ने लांडा ला लिया है। इबा गर्मी का टाइम आ गया तो मैं ईजी ले रही हूँ। और ईजी तो इन गर्म कपड़े में दोंगी इनू है सर्फ में, थोड़े सही से नहीं रहते। ईजी में धोई तो और साफ से हो जाए हैं। ड्रैकलिन तो वे से कोठा ही इनका कराया नहीं करूँ मैं तो इन कपड़े में दो हैं ईजी आजी डाल दें। और मशीन तो वे मशीन चला दी है मैंने ईजी केयर का। पहले एक दो एक गर्म कपड़े धो लूँगी, फिर बाद में थोड़ा सर्फ डालकर उसे कपड़े धो लूँगी। इतना सारा डूब लग गया पड़ा है। तो वे भाई शाम का टाइम हो गया, मैंने कपड़े सारे धो लिए थे। कोट काट इसके पापा का, एक वो कोट टंग रहा, तीन तो इसके पापा के कोट धोए हैं मैंने। एक नवीन का, दो नवीन के कोट। इब ज़्यादा सर्दी रही नहीं तो आज दो बार कपड़े धोए, पानी आया दो बार, चादर भी धो दी थी। इब गर्म चादर की जरूरत नहीं रही, ये पहला लंबी चौड़ी चादर आया करती, इतनी लंबी चौड़ी चादरा में कोई उड़ता भी नहीं। तो सारे कपड़े दो दादी थे, ये भी इन्हें नीचे तार ले जाएंगी। और ये देखूंगी कोट सूख गया अच्छी तरह नहीं। ये दस्ताने वगैरह भी धो दिए थे मैंने, क्योंकि ये मोटरसाइकिल पर दस्ताने की जरूरत नहीं रहेगी, थोड़े थोड़े सी ले रह गए मेरे। गाम भी था, मशीन में भी सुखाए थे, फिर भी पता नहीं क्यों। तो ये अच्छी तरह कल भी धूप दिखा कर और सही गाम लाग लगा, फिर धरूंगी इन कोट काटा ने। इन्हें एक बार और गाम लागण दू, कुछ मोटे लत्तें तारती नहीं हूँ इन, मैं देखूँ इसने भी सूख गया कि नहीं। ये कोट भी थोड़ा अल्लाह सा लग गया मैंने, अच्छी तरह धूप दिखा कर जब भीतर धरने पड़ेंगे ये अंदर अलमारी के। ये तो अगली सर्दी में काम आओगे, इतना भारी कोट थोड़ा सा रह रहा है सीला ना, तो बांसी हो जाएगी। दोनों का नू धर दिया तो थोड़ी कल और धूप लगा कर जब फिर इनकी तह मार कर रखेंगे। और सूर्य देवता छिप्पन हो रहे हैं तो इन जो उनसे कपड़े सूख गए हैं, शाल शूल भी धो दिए थे, एक एक शाल रखेंगे। मेरी माँ का था सी वो शाल, मगर ये तू भी धर दे एक दो शाल रख ले, बड़े आदमी तो ठंड लगेगी जरसी जरसी आती जाती है बारिश कर दे तो मना तो इतनी जरूरत नहीं रहती। तो इन कपड़े ले जाऊँ तार का और फिर देखते हैं कि एक दुकान दाम करेंगे। कितने लत्ते तो मेरे पड़े हैं और कुछ मैंने काट भी लिए क्योंकि मशीन में चल लग रहे हैं। तो ये गर्म चादर भी धोकर रख दूंगी और साथ साथ में पानी भी आ रहा है। तो जी हम चलते हैं ऊपर, आज कपड़े धोए थे तो शाम का टाइम हो गया है। इब कपड़े ने तार लिया मैं तो देखो रस्ते में एक रुमाल भी पड़ा है तो दिन सच पल लिया है। तो सारे कपड़े मैं तार के ले जाऊंगी अपने कपड़े अनुतार कर, और फिर कल देखूंगी तैतू मारूंगी इनका और वो करूंगी। और कपड़े तो याद आया जी, एक चादर तो मशीन में छोड़ दी सुखानी इन लिया तो मेरा दिमाग वो हो गया। कपड़े सुखा कर ऊपर गई कपड़े लेन तो देखी दे कपड़े सुखाए नहीं, ड्राई मशीन में पड़े हैं। जब कपड़े तारन गई तो चादर भी धोई थी, देखो तो चादर कितने नहीं है, इसी याददाश्त हो रही है। अब सारे कपड़े सुखा दिए और जब ऊपर कपड़े तारन गई तो ध्यान आया चादर नहीं है, चादर मशीन में पड़ी है, ऐसा दिमाग हो रहा है। वीडियो बेवे सब ने देख ली होगी, वीडियो देख कर किसी लागी बताइए कमेंट करके।
और आप सब वीडियो पाया करो, हम भी आपकी वीडियो पाओगे। कुछ दिक्कत हो रही है इस कारण मैं आपके चैनल पे आपकी वीडियो नहीं देख पा रही, और कुछ टाइम बाद मैं सारे जो बाण मेरी वीडियो देखा मैं सबकी चैनल पर जाऊंगी, और सबने भाई आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपका करूंगी, आपस में सपोर्ट करे तो एक काम चल लगा। तो वे वीडियो ने एंड करे हैं, और वीडियो ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सब तय जो भी कोई नया आवे यही प्रार्थना है।